जो बात आपको अच्छी ना लगे वो आप मत करिए। आपको कोई टोकता तो अच्छा लगता है क्या? ना आप उनको टोको, नहीं उनको अपनी अपनी बात कहो, बोलिए। ड्रॉप आउट रेट में, महिलाओं में जागरूकता, उनके शिक्षा के स्तर में विकास, इन सब चीजों का द्योतक है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं आधारभूत चीजों पे फोकस किया है ताकि बिहार प्रगति करे। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बिहार ने प्रगति की है, मैं इस क्षेत्र में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से विद्यालयों में और खासकर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के ड्रॉप आउट रेट में जिस प्रकार की कमी आई है, मैं बता रहा हूं, ड्रॉप आउट रेट में, इधर बात केवल करिए, ये आपका समय खराब करने के लिए खड़े हो रहे हैं। आपको जब प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, संतोष जी मैंने आग्रह किया था पहला दिन, जो बात आपको अच्छी ना लगे वो आप मत करिए। आपको कोई टोकता तो अच्छा लगता है क्या? टोकते हो भाई दूसरे को, ना आप उनको टोको, नहीं उनको अपनी अपनी बात कहो, बोलिए। ड्रॉप आउट रेट में प्राथमिक क्षेत्र में 25% का ड्रॉप आउट हुआ रेट है, उच्च प्राथमिक क्षेत्र में 39.4% का ड्रॉप आउट रेट है और माध्यमिक क्षेत्र में 40% का ड्रॉप आउट रेट है। और ये ड्रॉप आउट रेट भी जो हमारी शिक्षा नीति है, सरकार की प्रतिबद्धता जो रही है, आधारभूत संरचनाओं में विकास हुआ है, शिक्षा की गुणवत्ता में विकास हुआ है, इसके कारण से आज बच्चे शिक्षा की ओर जाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय सामने बैठे साथियों के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें उनको दिखेंगी नहीं। मैं दो लाइन कहना चाहूंगा कि आंखों में रखा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। आप जितना जो कुछ भी कहते रहे, वो लगातार प्रगति के पथ पे चलते रहेंगे। और आपको यह भी बता दूं कि ये शोहरत कोई विरासत में नहीं मिले हैं। आपने उनका कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आपने जो बिहार दिया था, उस बिहार को, जिस गर्त में पहुंचा हुआ बिहार आपने दिया था, हमें यूं ही नहीं मिले। आपने मेरा कांटों का बिस्तर नहीं देखा। वही मैंने कहा, ये शोहरत मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये नहीं, यहाँ पे शेर का कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो अपनी बात कहने कह रहा था। और इसी तरीके से कई क्षेत्रों में जो कार्य हुए वो अभूतपूर्व हैं, और उसका कारण है कि हम लगातार विकास के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कोई भी कॉम्प्रोमाइज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक विकास के क्षेत्र में नहीं किया। और उसी तरीके से युवाओं के लिए, युवाओं की शारीरिक वृद्धि हो, उनकी मानसिक वृद्धि हो, उनमें खेल के प्रति लगाव हो, तो आपने देखा है कि किस तरीके से कला और युवा कला संस्कृति से विभाग को अलग करके एक नया खेल विभाग का निर्माण किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और कई तरीके के योजनाएं लाई गई जिसमें मेडल लाओ और नौकरी पाओ। ये योजना अपने आप में अभूतपूर्व है। इसने ये दिखाया है कि खेल के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व संभावनाएं हैं, और खेल और शिक्षा दोनों को हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो ये सारे कार्य लगातार हो रहे हैं।